तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है एनीथिंग फॉर व्यूज। यहाँ पे हम कुछ भी देखेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा कंटेंट है या बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वालिटी कंटेंट है या फिर अगर वो ट्रेंडिंग लिस्ट पे है तो वो हमारी लिस्ट पे है। रोल द इंट्रो। तो शुरू करते हैं एनीथिंग फॉर व्यूज का एपिसोड 2, क्योंकि एपिसोड 1 पे कॉपीराइट क्लेम लगा और वो वीडियो ब्लॉक हो गई है बाय नन अदर देन टीसी। सो टेक्निकली ये एपिसोड 2 है। तो आज का जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो भी एक वीडियो सॉन्ग है और ये करीब 2 दिन से ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है। गाने का नाम है ओसना सुहाना, जो कि फिल्म कुली नंबर 1 रीमेक का है। सो बेसिकली फर्स्ट कुली नंबर 1 रीमेक जो है वो ओरिजिनल कुली नंबर 1 का रीमेक है, और कुली नंबर 1 ओरिजिनल में भी ये गाना था जिसको दोबारा से बनाया है कुली नंबर 1 रीमेक के लिए। सो ये गाना भी रीमेक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा रीमेक 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 का सीन चल रहा है। नाउ आज हम देखेंगे हुस्नैया सुहाना न्यू फ्रॉम कुली नंबर 1 रीमेक, और पता लगाएंगे कि इसके ट्रेंडिंग पे होने का क्या राज है। बेसिकली मेरे हिसाब से अभी कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुली नंबर 1 बहुत फेमस फिल्म है, वो गाना बहुत फेमस है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं सुनता हूँ मेरा डांस निकल जाता है। तो हुस्नैया सुहाना न्यू वीडियो सॉन्ग फ्रॉम कुली नंबर 1 रीमेक शुरू करते हैं। आई होप इस पे भी ब्लॉक ना लग जाए, प्लीज डू अ फेवर। सो बेसिकली जो ट्रैक है वो ओरिजिनल है, बेसिकली जो सिंगर्स का वाला जो ट्रैक है वो ओरिजिनल है, बट उसके साथ एक्स्ट्रा बीट्स और चीजें ऐड की हुई हैं। ओके ओके, सो स्टेप्स भी सेम है। सो फर्स्ट जो मेरा वो है रिव्यू वो ये है कि गाना बहुत फीका फीका सा है। जो पुराना ओरिजिनल गाना अगर देखो तो उसमें बहुत सारे डांसर्स हैं और गोविंदा सर हैं, तो बेसिकली ऐसा लगता है कि यार थोड़ा भरा भरा सा और वो है, बट ये सब थोड़ा फीका फीका सा, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अगेंस्ट हूँ किसी चीज़ के, लेकिन जस्ट वो है मेरा ओपिनियन। मुझे यही नहीं समझना था कि दूसरी जो बेटी है वो कौन है। मैं एक पता है मेरे को ऐसा क्या लग रहा है स्टेप पे, जैसे कि दो लोग नाच रहे हैं लिटरली। ऐसा नहीं लग रहा है ये गाना रिकॉर्डेड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ओरिजिनल ट्रैक है और थोड़ा कुछ फर्क है चीज़ों में, बट ऐसा लग रहा है कि
दो जने बेडरूम में गाना ऑन करके नाच, लाइक ओरिजिनल वाला किसी ने ऑन किया है और तब नाच रहे हैं। आई थिंक दैट यही रीजन है कि ये गाना थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि जो जैसे ओरिजिनल में ड्रीम सीक्वेंस काइंड ऑफ वो सॉन्ग है, और वो सॉन्ग वाला फील नहीं आ रहा लिटरली। जैसे कोरियोग्राफी अगर आप किसी की देखो, आप यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रही है ये वीडियो जिसमें वो कोरियोग्राफी दिखा रहे होते हैं किसी गाने से रिलेटेड, तो ये उस टाइप का लग रहा है, लाइक दे आर फोकस द आई डोंट नो, शायद मुझे मेरा मेरा ऐसा है। गाना है देखो, मैंने जब अभी पीछे जब इसी का जो दूसरा गाना जो था तेरी भाभी, मैंने एक चीज कही थी कि ओल्ड इज गुड, और भाई वो ये गाना ना आप सुनो, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, मेरा हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं गाना सुनता ना मेरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दिस वॉज द सॉन्ग एंड अगेन लाइक्स और डिसलाइक डिसेबल्ड है तो यू कांट से कि, बट स्टिल इस पे 40 मिलियन के करीब व्यूज है, अराउंड 40 मिलियन व्यूज है दो तीन दिन के अराउंड, जितना भी इसका टाइम हुआ है। ऑल ओवर देखो ऐसा है, मैं मेरा जो एक कंक्लूजन जो रिव्यू है एक लाइन में करना बोलूँ तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि वरुण धवन और सारा अली खान दे आर जस्ट डांसिंग, और कमरे में उनको कहा ये कोरियोग्राफी है ये डांसिंग है, और तभी उनके सामने वहाँ पे प्ले रिकॉर्डर पे ऑन कर दिया एंड देन जस्ट डांसिंग और लिटरली, है ना। मेरे कहने का मतलब ये, क्योंकि बेसिकली गाना ऑल ओवर सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा बीट्स, उसके अलावा कुछ खास फर्क नहीं है गाने में, ओरिजिनल ट्रैक सेम है। तो गाना सुनने में अगर सिर्फ गाने की बात करें लाइक सिर्फ जस्ट ऑडियो, तो फर्क जो है वो कम है। हाँ वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये वरुण धवन वाला है एंड देन ये वो वाला है, दैट्स द थिंग। उसके बाद एज कम लाइक मैंने पहले एक जो कुली नंबर वन से रिलेटेड वीडियो थी मैंने उस पर कहा था कि कंपैरिजन करना ही बेकार है, ठीक है कंपैरिजन करना ही नहीं, क्योंकि आप यू नो ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर, और कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो वाला बेटर नहीं है ये वाला बेटर है, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है। नाउ फर्स्ट रीजन कि ये क्यों ट्रेंडिंग पे, ऑब्वियसली नाम है कुली नंबर वन का नाम है, गाना फेमस है, कुली नंबर वन खुद फेमस है, तो दैट्स वाई आई गेस उसके अलावा वरुण धवन सारा अली खान ये सब फेमस हैं, लाइक पीपल स्टिल लाइक कितना भी आप कह लो कि डिसलाइक लाइक डिसलाइक, लेकिन फिर भी लोग एक बार एक दो बार तो जरूर देखते हैं कि अच्छा बनाया है तो क्या होगा गाने में, ठीक है। बट जो भी है जो भी सीन है इस आई थिंक यही एक वजह है कि पुराना जो सीन है जो पुराना गाना है और जो फिल्म है उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, उसका फील इतना ज़्यादा है कि रीमेक है उसके बावजूद लोग लाइक दे वॉन्ट टू सी कि अच्छा वरुण धवन ने तो क्या होगा शार्लिक। सेकेंड चीज दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं वरुण धवन और सारा अली खान, वरुण धवन ऑलवेज डांसिंग वो बहुत अच्छी, मैंने लास्ट में भी लास्ट जो गाना था उसमें भी कहा था कि एनर्जी वाइज और डांसिंग वाइज लाइक ही इज गुड ही इज वेरी गुड, सारा अली खान इज लुकिंग नाइस शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बाद। एक जो चीज़ मुझे जो अच्छी भी लगी, हालांकि जैसे मैंने बोला कि ट्रैक ओरिजिनल है, वो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि ट्रैक ओरिजिनल है, बट वो चीज़ मुझे अच्छी ज़रूर लगी लेकिन वो गाने के लिए शायद एक बिकॉज इट्स अ रीमेक, बिकॉज दे आर सेइंग हुसैन सुहाना, बिकॉज दे आर सेइंग
हुस्न है सुहाना न्यू फ्रॉम कुली नंबर वन रीमेक. सो ये शायद उस चीज पे उस कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार रीमेक गानों के बने हैं और ओरिजिनल ट्रैक रखा गया है, बट स्टिल वो ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है शहर की लड़की, हाँ जो है गाना शहर की लड़की का जो रीमेक था वो फिल्म थी. सो ये गाना था खानदानी शफा खाना से जो कि रीमेक था शहर की लड़की, उसमें कुछ पार्ट ओरिजिनल सॉन्ग के थे जो लेट जो क्या कहते हैं ओरिजिनल जो ट्रैक है और कुछ कुछ जो था वो था लेकिन सेम. और एक और सॉन्ग है जो कि गोलमाल फोर से था, लड़की आँख मारे, नहीं नहीं सॉरी नॉट गोलमाल फोर, सिम्बा से था सॉरी, लड़की आँख मारे, उस सॉन्ग में भी वो सॉन्ग भी रीमेक है. और जो पार्ट जो लास्ट का जो पार्ट जब ओरिजिनल से जब अरशद वारसी आते हैं कुमार शानू की आवाज़ में, लाइक वो गाना ऐसा लगता है कि यार अभी तक तो कुछ था ही नहीं और अब जो शुरू हुआ है वो. सो ओरिजिनल ट्रैक है दैट्स रियली गुड, बट मुझे लगता है कि रीमेक है और न्यू है तो पहली बात तो नया नहीं लग रहा है, जस्ट मैंने जैसे कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने टाइप रिकॉर्ड जो भी है जब म्यूजिक प्ले ऑन किया एंड देन दे आर डांसिंग ऑन दैट. और या सो शायद ये उस लेवल के हिसाब से नहीं क्योंकि सी यार कोई दो सिर्फ दो जने नाच रहे हैं, कोई डांसर्स नहीं है पीछे, कोई वो नहीं है, ये गाना है डांस वाला लाइक एनर्जी वाला. और जिन जिन लोगों ने देखा पुराना गाना यू नो लाइक कैसे स्टेप्स हैं, कितने मुश्किल स्टेप्स हैं, कोरियोग्राफी कितनी मुश्किल है. और इस गाने में जो अभी है जो नया जो रीमेक है उसमें स्टेप्स भी बहुत सारे नए हैं और लाइक ऐसा कुछ वाओ वाला वो चीज़ नहीं. सो या दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंपैरिजन करना बुरा है. तो ये था वो वीडियो हुस्न है सुहाना न्यू फ्रॉम द मूवी कुली नंबर वन रीमेक. तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हों और अगर कोई पॉइंट छोड़ दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना और नहीं आई तो भी कर देना और हैशटैग लगाना कि यार हुस्न है सुहाना का दूसरा वर्जन है ये, खैर दूसरा वर्जन है ओके. तो हैशटैग लगाना कि नॉट दैट बैड, ठीक है, हैशटैग लगाना कि प्लीज डोंट ब्लॉक दिस वीडियो, क्लेम कर लो, कोई परेशानी नहीं, मैं वैसे भी कुछ नहीं कमा रहा तो क्लेम कर लो, ले जाओ पैसे, लेकिन ब्लॉक मत करा करो यार. मैं देखो मेहनत करते हैं, ठीक है ना, मेहनत करते हैं, ऐसा देखो कम करते हैं लेकिन करते हैं, ठीक है, जो भी है. तो अगर जैसे बड़े मन से कभी कभी मैं बनाता हूँ, कुछ वीडियोस होती जो मैं बड़े मन से बनाता हूँ, जो लास्ट जो जिस पे ब्लॉक लग गया, जो ब्लॉक हो गई, तो वो बड़े मन से बने दिल से, ठीक है, और वो ब्लॉक हो गया. सो थोड़ा ना मोरल डाउन हो जाता है इससे, और कुछ नहीं है, बट या दैट्स व्हाट इट इज. सो That's it. That's it.